है जब ये फूक जाता है तो लाइन चालू लाइन पे कैसे हम इसको बदल सकते हैं। ये गीज़र वगैरह से जल जाता है, ये अगर गीज़र बहुत देर तक ऑन रह जाए या प्लग लूज हो या कोई भी चीज़ हो। ये है लाइन, ये है न्यूट्रल। अब हमको ये चेंज करना है क्योंकि ये सड़ चुका हुआ है, ये अब किसी काम का नहीं है। सबसे पहले हम लाइन को काटेंगे। और फिर हम न्यूट्रल वाली तार भी खोल देंगे। और ध्यान रहे कि आगे हाथ ना लगे किसी भी, फॉर अ सेफर साइड दूर से रबर पकड़ के ही काम करें। ये इसके लिए वायर दी हुई है न्यूट्रल दूसरे स्विच के लिए। और ये हम खोल देंगे अर्थ की वायर, ये भी बाहर निकाल देंगे। बस इससे थोड़ा सा बच के काम करना है, उस पर हाथ ना लगे बस। ये पूरा सड़ गया था। पॉज सॉकेट, पहले सॉकेट को डाल दिया इसके अंदर। इसको दबा के यहाँ से अंदर पूरा फिट। ये ध्यान रहे कभी भी ये वाली तार इस पर टच नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये है लाइन, यानी कि ये पॉजिटिव फेज है और ये न्यूट्रल है। यहाँ चिपक गई दोनों तो पटाखा हो जाएगा बहुत तेज, इसलिए ये इस पर कभी टच नहीं होना चाहिए और ना यहाँ पर हाथ लगना चाहिए। बस वो थोड़ा सा अलग किस्म का था तो मैं खाली में इसको उसके अंदर घुसाने के लिए राउंड कराऊँ। और प्लास भी वो यूज़ करना जिस पे ये चढ़ा हुआ हो, रबर चढ़ा हुआ हो, ताकि कॉन्टैक्ट ना रहे वरना करंट लगेगा। बढ़िया, इसको हमने यहाँ डाल दिया इसके अंदर। इसको हमने कस लेना है अच्छे से, मतलब लूज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये लूज़ रह गया तो ये भी जल जाएगा, क्योंकि जब भी जलता है उसी वजह से जब सॉकेट टॉप जिसको भी जो लगा था वो या फिर ये लूज़ रह जाता है। तो ये फुल टाइट होना चाहिए क्योंकि इसमें पावर का होता है। ये लग गया। अब हमने यहाँ पे एक स्विच और लगाया हुआ है डबल के लिए, तो ये हमने इसका न्यूट्रल यहाँ दिया हुआ है, ये डायरेक्टर, तो न्यूट्रल इसका भी यहाँ घुस जाएगा। ये 16 एम्पियर का है गीज़र वाला, गीज़र एसी वाला। ये न्यूट्रल लगाया इसमें, नहीं घुसेगा तो ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश मत करना। प्लास से उसको थोड़ा सा राउंड कर दो, ज़बरदस्ती घुसाओगे हाथ पे लगेगा, करंट लग सकता है अगर दोनों तारे मिल जाएंगे तो। कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करना। फिर भी नहीं घुसे बाई चांस, अगर ये नहीं घुसेगा तो फिर इसका हम तार को आधा कर देंगे या फिर ये नट को और लूज करना पड़ सकता है। हाँ थोड़ा सा मेरे पास स्कोप है अभी।
अब ये नहीं घुस पाएगा इसमें, तो इसके काम करते हैं इन दोनों को ही मिला देते हैं आपस में। ये देखो वहाँ से बाहर निकल गया दूसरी तरफ से, ठीक है ये बाहर गया दूसरी तरफ से, यानी कि पूरा तो चला गया। अब इसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे हम, चेक कर लेंगे बिल्कुल सही है। जब खोला हुआ है तो बाकी के भी जॉइंट्स कस लो तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है बस ये लग गया, अब इसको वापस इसमें हम सेट कर देंगे। ये तो कोई भी लगा सकता है, पेच ही कसने होते हैं, एक पेज या एक पेज वहाँ। थैंक यू। ये अर्थ की वायर, जिनके पास भी अर्थ घर में वायर है वो अर्थ को खाली ना छोड़ें, ज़रूर लगा दें। अगर करंट लीक करता है तो ये इससे आपकी सेफ्टी रहेगी इक्विपमेंट की। अर्थ की वायर हमेशा ग्रीन में ही होती है। और अगर 1% किसी को भी ये लगे कि वो ये नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना, इलेक्ट्रिशियन को बुला के काम करा लो या फिर पावर बंद करके काम करो।